नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मिथुन राशि के जुलाई 2023 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस राशिफल के अंदर हम बात करेंगे कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना, उनके धन को लेकर, कार्यक्षेत्र को लेकर, लाभ को लेकर, भाग्य को लेकर, पारिवारिक स्थिति और बिजनेस को लेकर। आइए, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बात करते हैं सबसे पहले कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और किन भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर सूर्य मिथुन से निकलकर कर्क राशि में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बात करें बुध की तो मिथुन से निकलकर कर्क और कर्क से निकलकर सिंह राशि में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। साथ के साथ हम बात करें शुक्र की जो कि कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में अपना राशि परिवर्तन करें। बात करते हैं क्या इफेक्ट रहने वाला है, कौन सा भाव एक्टिवेट हो रहा है, किन भावों से रिलेटेड अत्यधिक फलों की प्राप्ति मिथुन राशि वालों को देखने को मिल सकती है। मिथुन राशि बुध मिथुन राशि के स्वामी है, अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं, सूर्य के साथ में, तीसरे भाव के स्वामी के साथ में। सूर्य बुध बुधादित्य योग बना हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है और शुभ है। माह की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, आपकी बातों को आपका ऑफिस हो जाए, आपका घर सुना जाएगा। साथ के साथ आपकी वाणी के अंदर भी यहाँ पर तेज आने वाला है, अच्छे डिसीजंस आप अपनी लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर लेने की संभावनाएं, अपने पारिवारिक स्थिति से अत्यधिक जो है डिसीजंस आपके इस माह के अंदर आएंगे। साथ के साथ हम बात करें बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो धन भाव के अंदर गोचर करेंगे, साथ के साथ आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव के अंदर गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर बुध की स्थिति शुभ स्थिति बनी हुई है धन के अंदर। और धन भाव के अगर मैं बात करूं, यहाँ पर शुक्र पहले से विराजित हैं तो शुक्र बुध की युति भी यहाँ पर रहेगी। साथ के साथ तो शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके कर्क से सिंह में जाएंगे तो वहां पर भी यह गोचर आपको शुभ फलदायी रहने वाला है। बात करते हैं धन भाव की, शुक्र पहले से विराजित हैं, शुक्र की बात करें अगर पंचम भाव के स्वामी हैं इस जो है राशि वालों के लिए यानी मिथुन राशि वालों के लिए जो है कारक ग्रह शुक्र माने गए। कारक ग्रह का मतलब है अच्छे प्लैनेट्स, शुक्र बुध और यहाँ पर शनि एक अच्छे प्लैनेट हैं, एक रिजल्टेंट प्लैनेट हैं और अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तो शुक्र का गोचर धन भाव में पंचम भाव के स्वामी का बहुत महत्वपूर्ण है। अपने से जो है दशम में स्थिति यानी पंचम के स्वामी की अगर हम बात करें तो दशम भाव में अपने से दशम भाव में स्थिति यानी चंद्र लग्न से सेकेंड हाउस यानी धन भाव के अंदर स्थिति, तो शुक्र यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। धन संबंधित बातों को लेकर पद प्राप्ति के संकेत भी यहाँ पर शुक्र जो है अपने इस गोचर के फलस्वरूप दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। पारिवारिक स्थिति की बात करें, बुध बन रहे हैं पारिवारिक स्थिति के स्वामी, अपने से दशम यानी चंद्र लग्न, फिर धन भाव यानी एकादश लाभ भाव दोनों के अंदर यानी माह का लगभग अंत तक बुध आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। पारिवारिक स्थिति आपको अच्छा रिजल्ट देने वाली है, परिवार सहयोग करने वाला है, पूरा संबंध आपका बना रहेगा। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग अगर हम बात करें बिजनेस और आपके करियर को लेकर, बिजनेस की बात करते हैं क्योंकि बिजनेस और करियर दोनों इसलिए क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव में धनु राशि आती है और दशम भाव में मीन राशि, दोनों ही राशि के स्वामी यानी दोनों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। गोचर की बात कर लेते हैं, लाभ भाव में गोचर हो रहा है, सप्तमेश का लाभ भाव में, दशमेश का लाभ भाव से संबंध बहुत अच्छा संबंध है, बहुत शुभ संबंध माना गया है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है आपको लाभ भाव में बैठ कर आपके बिजनेस से आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं दशाएं अंत्यदशा प्रत्यंत दशा सपोर्ट कर रही हैं आपके धन भाव को लेकर, आपके सप्तम की स्थिति को लेकर, दशम की स्थिति को लेकर, तो यह रिजल्ट आपको शुभ फल यानी अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। दशम की बात कर लेते हैं, दशम के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं, लाभ भाव में अपने से धन भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, कार्यक्षेत्र मिथुन राशि वालों का अच्छा रहने वाला है। राहु की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है, राहु एकादश भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर मैं बात करूं राहु की तो यहाँ पंचम भाव पर दृष्टि गुरु भी डाल रहे हैं, राहु भी डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ के संकेत भी राहु यहाँ पर दिलाने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति के साथ में है तो सप्तम यानी बिजनेस से भी अचानक धन लाभ प्राप्त होगा, करियर यानी आपके जॉब से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर अचानक धन लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। भाग्य की बात करते हैं, भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, वक्री अवस्था में भाग्य भाव के अंदर ही गोचर कर रहे हैं। अष्टम के स्वामी भी हैं, अष्टम के स्वामी होकर नवम भाव में अच्छे रिजल्ट नहीं प्रदान करेंगे, लेकिन नवम के स्वामी भी हैं तो आपको मिश्रित फल की प्राप्ति शनिदेव के गोचर के फलस्वरूप आपको देखने को मिल सकती है। आइए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई माह के अंदर, उनका कार्यक्षेत्र और उनका बिजनेस यानी इन दोनों के
इन दोनों भावों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दोनों भावों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए यहाँ पर उनका बिजनेस और उनका करियर। धन्यवाद।